Hello students, today we will start new chapter beta and gamma function. Beta, beta function kya hai? Beta isko denote karte hain beta mn, aise denote karte hain beta. 0 to 1 x the n minus 1, 1 minus x the power n minus 1 dx. For m greater than 0, n greater than 0. Isko kya bolte hain beta? Beta function. जैसे बेटा फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैंने ये ले लिया बेटा एक्स क्यूब वन माइनस एक्स दी पावर सेवन डी एक्स, तो इसको इसके साथ कंपेयर करो एम माइनस वन थ्री एन माइनस वन सेवन, एम की वैल्यू फोर एन की वैल्यू कितनी होगी एट, एम भी पॉजिटिव है एन भी पॉजिटिव है. सेकंड बेटा जीरो टू वन एक्स दी पावर माइनस टू बाई थ्री 1 माइनस एक्स थी माइनस वन बाई टू डी एक्स, ये प्रूव करेंगे बेटा, ये इसके लिए डिफाइन करता है, मैं प्रूव कर रहा हूँ क्यों बेटा. एम माइनस वन माइनस टू बाई थ्री, एम दी वैल्यू बेटा 1 बाई थ्री, एन माइनस वन माइनस वन बाई टू, एन दी वैल्यू 1 बाई टू, ये कितना आ गया 1 बाई थ्री 1 बाई टू. बेटा 0 टू 1 x थी माइनस फोर 1 माइनस x थी 5 डी एक्स, एम माइनस वन माइनस फोर एम इक्वल टू माइनस थ्री, यहाँ पे बीटा फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा, ये डिफाइन कब करेगा जब m एंड n क्या है पॉजिटिव. अभी आपको मैं एक थ्योरम इसके लिए प्रूव कर रहा हूँ बेटा, जिसपे ये कन्वर्जेंट कहाँ पे होगा, कहाँ पे डिफाइन करेगा m पॉजिटिव n पॉजिटिव. देखो बेटा कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन शो दैट 0 टू 1 x थी n माइनस 1 1 माइनस x थी n माइनस 1 dx कन्वर्जेंट इफ m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0, ये हम प्रूव कर रहे हैं बेटा. यहां पे देखो 0 टू 1 x थी m माइनस 1 1 माइनस x थी n माइनस 1 dx, यदि m की वैल्यू पॉजिटिव या जीरो से ग्रेटर है, n माइनस वन भी पॉजिटिव या जीरो से ग्रेटर है, देन जीरो एंड वन बोथ आर, तो ये क्या हो गया बेटा प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, ठीक है फाइनल वैल्यू आ गई. यदि m माइनस वन मैं नेगेटिव ले लू, तो अब यहां पे देखो m माइनस वन नेगेटिव है ना बेटा, तो जीरो यहां पे पुट करेंगे जीरो की पावर नेगेटिव वन अपॉन जीरो इंफिनिटी, तो जीरो क्या हो गया बेटा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो गया, तो जीरो पे ये क्या हो गया बेटा इम्प्रॉपर इंटीग्रल. यदि एन माइनस वन नेगेटिव है तो वन पुट करेंगे यहां पे बेटा क्या आएगा वन माइनस वन जीरो, जीरो की पावर नेगेटिव वन अपॉन जीरो, ये भी बेटा इम्प्रॉपर हो गया, वन इज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी. तो हमने कैसे करना है बेटा, याद करो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड 0 टू 1 बाय 2 x थी m माइनस 1 1 माइनस x थी n माइनस 1 dx प्लस 1 बाय 2 से 1 x थी m माइनस 1 1 माइनस x थी n माइनस 1 dx. ओके तो इसमें बेटा i1 i2 फॉर i1 0 क्या है पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी फॉर m माइनस 1 लेस देन 0, तो इसको fx कंसीडर कर लीजिए बेटा 1 माइनस x थी n माइनस 1 अपॉन x थी 1 माइनस m, बिकॉज यदि m माइनस 1 नेगेटिव है तो क्या आ गया बेटा 1 माइनस m क्या हो गया पॉजिटिव. बेटा मैंने यहां वहां पे आपको याद है p टेस्ट करवाया था, क्या करवाया था बेटा a टू b 1 अपॉन x माइनस a दी पावर p, यदि p लेस देन 1 है तो ये क्या था बेटा कन्वर्जेंट, वो ही मैं चाहिए बना बेटा. तो मैंने इसको ले लिया m माइनस 1 1 माइनस m क्या हो गया पॉजिटिव, gx क्या है बेटा मेरे पास 1 बाय, इसी पे क्या है वो डिसकंटीन्यूअस है ना, 1 माइनस m क्या हो गया बेटा पॉजिटिव, यहाँ पे p क्या होता है पॉजिटिव. मैंने ऐसे बनाना बेटा, देखो ये मैंने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड की वीडियो में आपको प्रूव करवाया x की पावर 1 माइनस m, x माइनस 0 की पावर 1 माइनस m, तो fx अपॉन gx लिमिट किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं बेटा 0 पे,
जीरो प्लस, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, वन माइनस एक्स दी एन माइनस वन, वन आ गया बेटा, वन आ गया नॉट इक्वल टू जीरो इन्फिनिटी, बिहेव लाइक जीरो टू वन बाई टू जी एक्स डी एक्स, ये कन्वर्जेंट कब होगा, इफ वन माइनस एम लेस देन वन, माइनस एम लेस देन जीरो, एम क्या आ गया बेटा ग्रेटर देन जीरो, क्लियर है बेटा पॉइंट, देखो वन एम माइनस वन लेस देन वन, तो एम क्या आ गया बेटा पॉजिटिव। अब इसकी बात करते हैं फोर आई टू एन माइनस वन लेस देन जीरो, तो इसको एफ एक्स क्या कंसीडर करेंगे बेटा, एक्स दी एम माइनस वन, वन माइनस एक्स दी एन माइनस वन। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, यहाँ पे बी क्या है पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, तो मैं क्या लिखता था बी माइनस एक्स दी पावर पी, आप चेक कर सकते हो वीडियो में, आपको प्रूव भी किया मैंने, तो यहाँ पे वन पे है तो वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, इसको जी एक्स कंसिडर कर लो, तो लिमिट वन नेगेटिव आएगा बेटा, वन पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो से आगे आएगी, यहाँ वन से कम, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इसके लेफ्ट नेबरहुड में, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एक्स दी एन माइनस वन, कितना आ गया वन, तो नॉट इक्वल टू जीरो इन्फिनिटी, वन बाय टू से वन जी एक्स डी एक्स, कन्वर्जेंट कब होगा जब एन माइनस वन लेस देन वन, एन माइनस वन, यहाँ पे मैं बेटा यहाँ पे गलत लिख गया बेटा, वन माइनस एन आना था, वन माइनस एन, जब कन्वर्जेंट कब होगा वन, क्योंकि नीचे लेके है ना रेसिप्रोकल बेटा, लेस देन वन, माइनस एन लेस देन जीरो, एन ग्रेटर देन जीरो, तो इन बोथ केस यदि जी एक्स कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स कन्वर्जेंट कब, जब एम क्या है पॉजिटिव, जी एक्स कन्वर्जेंट कब एन ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी क्या हो गया बेटा कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट कब होगा जब एम एंड एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा पॉजिटिव। ओके, तो यही हमने प्रूव करना था, ये था बीटा फंक्शन, ये कब डिफाइंड होगा बेटा जब एम पॉजिटिव एंड एन इज पॉजिटिव। अब नेक्स्ट वीडियो बेटा आपको मैं प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन करवाऊंगा, सो थैंक यू वेरी मच बेटा।